दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। ई टिकट पर ट्रेन में 1 रुपए में होगा 10 लाख का ट्रेवल बीमा। ट्रेन में ई टिकट रिजर्वेशन पर 10 लाख रुपए की ट्रेवल बीमा अब मुफ्त नहीं बल्कि 1 रुपए में मिलेगा। IRCTC ने 8 महीने पहले कैशलेस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की ट्रेवल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी। यात्री को चुनना होगा इंश्योरेंस का ऑप्शन। 1 सितंबर से यात्रियों को इंश्योरेंस का ऑप्शन खुद चुनना होगा। अगर यात्री ने ऑप्शन नहीं चुना और किसी कारणवश दुर्घटना आदि के शिकार हो जाता है तो उसे कोई आर्थिक सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार 65% रिजर्वेशन ऑनलाइन होती है। दिसंबर 2017 दिया था फ्री इंश्योरेंस का तोहफा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की तरफ से दिसंबर 2017 सेकंड यात्रियों को निशुल्क इंश्योरेंस का तोहफा देना शुरू किया था। यह फैसला डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिया गया था। यही नहीं, IRCTC ने डेबिट कार्ड से टिकट बुकिंग पर लगाने वाले चार्ज भी खत्म कर दिए थे। यात्री ई रिजर्वेशन कराते समय ईमेल जरूर भरें। बीमा पॉलिसी की रसीद हासिल करने के लिए यात्रियों को अपनी ईमेल आईडी भरनी अनिवार्य होगी, क्योंकि उन्हें उसी समय बीमा कंपनी की तरफ से लिखित में मैसेज भी आएगा जो यात्री के स्टेशन चढ़ने से लेकर अंतिम स्टेशन तक के लिए मान्य होगा। क्लेम कंपनी द्वारा 15 दिन के भीतर यात्री के कानूनी वारिस को चेक के जरिए भेजा जाएगा। ट्रेवल इंश्योरेंस लेने के लिए पैसेंजर को ई टिकट कॉलम पर 1 रुपए के लिए टिक करना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी होगा बीमा। यात्रियों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी स्वेच्छा से बीमा करवाया जा सकेगा। इसलिए बच्चों की जानकारी भी रेलवे को देनी अनिवार्य होगी। सभी क्लास की सुविधा में अधिकतम 10 लाख का क्लेम। IRCTC की तरफ से दी जाने वाली इंश्योरेंस की सुविधा सभी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलती थी। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम था और किसी प्रकार की पूर्ण डिसेबिलिटी होने पर 7.5 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का क्लेम निश्चित किया गया था।